मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे माइग्रेन यानी कि सरदर्द की, पर हाँ, इस सरदर्द को आप आम सरदर्द समझने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सरदर्द ज़रा अलग होता है। ये दर्द अचानक से सिर के आधे भाग में होने लगता है, जिस वजह से रोगी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी से गुजरना पड़ता है। कई बार तो माइग्रेन का दर्द कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार 2-3 दिन तक लगातार ये दर्द होता रहता है। बिजी लाइफ और भागदौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग माइग्रेन की समस्या से परेशान रहने लगे हैं। माइग्रेन से बचने के लिए लोग बहुत सी दवाइयों का सहारा लेते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में आप कुछ घरेलू तरीके अपनाकर इस दर्द से राहत पा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि माइग्रेन किस वजह से होता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप भी इस तरह के किसी सिम्टम से गुजर रहे हैं तो इन चीज़ों को, इन परेशानियों को दूर करें, ताकि आपको भविष्य में माइग्रेन जैसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते, यानी कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते, या फिर आपको अक्सर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, टेंशन रहती है, या फिर आप लंबे वक्त से दर्द निवारक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो ये हैं कुछ वजहें माइग्रेन होने की। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को माइग्रेन है तो आप में भी ये सिम्टम आ सकते हैं। बात करते हैं कि किस तरह आप माइग्रेन की समस्या को कुछ घरेलू नुस्खों के ज़रिए दूर कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सरसों के तेल की। जी हाँ, माइग्रेन का दर्द होने पर सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके सिर की मालिश करें। सिर के साथ साथ कंधों, पैरों और गर्दन की भी मसाज करें, इससे काफ़ी राहत मिलती है। बात करेंगे दूसरे नुस्खे की। रोज़ गाय का शुद्ध देसी घी 2-2 बूंद नाक में डालें। ऐसा दिन में 2 बार करें, इससे माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। बात करेंगे तीसरे उपाय की। अगर आप माइग्रेन के दर्द को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो रोज़ सुबह खाली पेट 1 सेब का सेवन ज़रूर करें। बात करते हैं चौथे नुस्खे की। इसमें करना आपको ये है कि गाय के घी में कपूर डालकर गर्म कर लें। इस तेल से दर्द वाले हिस्से की मालिश करें, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। बात करते हैं पांचवे उपाय की। अगर आप बंद गोभी की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को सिर पर लगाएं, तो इससे भी दर्द दूर होता है। उम्मीद करते हैं माइग्रेन में होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए ये घरेलू नुस्खे आपके ज़रूर काम आएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और घरेलू नुस्खों के साथ, कुछ और ख़ास बातों के साथ। फ़िलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।